बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी चार और चार आठ बातें याद रखना। इन बातों के होते हुए तुम्हारा कोई अमल तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सब दौलतों की दौलत अकल है। सबसे बड़ी नादारी कम अकली है। परले दर्जे की तन्हाई खुद पसंदी है। फरमाया, सबसे बड़ी शराफत खुशकल की है। अहमक की दोस्ती से बच कर रहो, क्योंकि वो चाहेगा तुम्हें फायदा पहुंचाना मगर पहुंचा देगा नुकसान। बखील की दोस्ती से परहेज करो, क्योंकि जब भी तुम्हें उसकी सख्त जरूरत होगी वो तुमसे दूर रहेगा। बदकार की दोस्ती से दूर रहो, क्योंकि वो तुम्हें कौड़ियों के भय बेच डालेगा। कजाब को दोस्त मत बनाओ, क्योंकि वो शराब की मानिंद है। तुम्हारे सामने बईद को करीब और करीब को बईद कर दिखाएगा। जो तुम्हारे सामने तुम्हारे ऐप छुपाता है और गायबाना इन ऐप को जहर करता है वो तुम्हारा दुश्मन है। और जो तुम्हारे सामने तुम्हारे ऐप बताता है और गायबाना छुपाता है वो तुम्हारा दोस्त है। अपने पेट और शर्मगाह को हराम से बचाए रख, इससे अल्लाह ताला तेरे साथ खुश मामले का मामला फरमाएगा। जब मेरा जी चाहता है कि मैं अपने रब से बात करूं तो मैं नमाज पढ़ता हूं। जब मेरा जी करता है कि मेरा रब मुझसे बात करे तो मैं कुरान पढ़ता हूँ। वक्त और दौलत दो ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान के इख्तियार में नहीं। वक्त इंसान को मजबूर और दौलत मगरूर बना देती है। ज़बान का वज़न बहुत ही हल्का होता है मगर बहुत कम लोग ही संभाल पाते हैं। आपसे किसी ने पूछा कि जब हमारी किस्मत पहले से ही लिख दी गई है तो दुआ का क्या फ़ायदा। तो फरमाया कि हो सकता है किस्मत में यही लिखा हो कि मांगने पर ही मिलेगा। दो भूखे ऐसे हैं जो कभी सैर नहीं हो सकते, एक तालिब इल्म और दूसरा तालिब दुनिया। हमेशा सच बोलो ताकि तुम्हें कसम खाने की ज़रूरत ना पड़े। हर अमल सोच समझ कर करो, क्योंकि हर अमल के अंदर उसका अंजाम यूं छुपा होता है जैसे बीज के अंदर दरख्त। कुव्वत बर्दाश्त शान को बुलंद करती है। खुदा से मांगना शुजात है अगर दे तो रहमत और ना दे तो हिकमत। मखलूक से मांगना जिल्लत है अगर दे तो एहसान अगर ना दे तो शर्मिंदगी। अगर किसी इंसान की खूबी देखो तो उसे बयान करो, लेकिन अगर खामी मिल जाए तो यहाँ तुम्हारी खूबी का इम्तिहान है।